तो हेलो जी नमस्ते। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग अपनी कोई भी ब्लर वीडियो एंड फोटोज को हाई क्वालिटी में इनहेंस कर सकते हो। जी हाँ, हाई क्वालिटी में। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे यूज करना है, चलिए बताता हूँ। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है 4DDIG, आप लोग इसको 4DDIG भी बोल सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सिंपल मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर की लिंक मिल जाएंगे। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आप लोग ये पेज पर आ जाओगे। तो इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनके पेज पर आप लोगों को मिल जाएंगी। अब इसको डाउनलोड करना है बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, बस इस पर आपको क्लिक करना है और बस कुछ ही सेकंड में आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही छोटा और लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर है। देखो ये 2.3 MB का है, फटाक से डाउनलोड हो गया है। अब इसको सिंपल बस आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है और यहाँ पे हम लोग आएंगे वीडियो रिपेयर में। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं तीन ऑप्शन, एक है फिक्स वीडियो एरर, जो अगर आपकी कोई वीडियो ओपन वगैरह नहीं हो रही है तो आप लोग उसको रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं इस पे ऐड वीडियो पे जाता हूँ और एक मेरी वीडियो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो प्ले नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका ये थंबनेल आ गया और मैं स्टार्ट रिपेयर पे क्लिक कर दूंगा तो जो मेरे वीडियो ओपन नहीं हो रही थी वो हो जाएंगे और देखो कंप्लीट हो गया। और मैं रिव्यू रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं प्ले करके देखता हूँ और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मेरी वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो गई है। ऐसी बहुत सी वीडियोस होती है जो प्ले नहीं होती है, तो आप लोग इस टूल का यूज़ करके आप लोग अपनी वीडियोस को रिपेयर कर सकते हो। और सिंपल एक्सपोर्ट पे कर लूँगा मैं क्लिक और जो भी मेरे को लोकेशन पे डालना है कि हाँ भाई मेरे को ये लोकेशन पे चाहिए, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, एक न्यू फोल्डर बना लूँगा और वहाँ पे ये वीडियो को एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो ये मेरी वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएंगी। अब हमारा सेकंड है इनहेंस वीडियो क्वालिटी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखेंगे, आप उसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि डाउनलोड हो गया, मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा और मेरी एक वीडियो है जो मैं लेके आ जाता हूँ, जैसे कि ये वीडियो है, इस पर मैं क्लिक किया, इम्पोर्ट कर लेता हूँ इसको मैं। तो ये मेरी वीडियो इम्पोर्ट हो गई है और ये वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसकी थोड़ी क्वालिटी। देखो भाई थोड़ी सी धुंधली सी है, ब्लर क्लैरिटी नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को तीन AI मॉडल देखने को मिलते हैं, जनरल मॉडल, एनिमी मॉडल और एक है फेस मॉडल। तो आप लोगों को फेस वाला ढूंढना है क्योंकि इसमें फेस क्लियर दिख रहा है ना हमको, कि फेस को क्लीन करना है। और यहाँ पर रेजोल्यूशन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, 2K 4K 8K, अगर अपने हिसाब से कस्टम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बात है। 4X वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लोग प्रीव्यू देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो या तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरी वीडियो कहाँ पर एक्सपोर्ट होना चाहिए, मैं डायरेक्ट वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बना लिया फोल्डर, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं आफ्टर नेम, इसको मैं सिलेक्ट फोल्डर कर दूंगा और इसको एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक कर दूंगा और ये हमारी जो वीडियो है वो डायरेक्ट इनहेंस होके एक्सपोर्ट हो जाएंगी। और एक्सपोर्ट होने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। तो जैसे कि हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है, मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और ये रही हमारी वीडियो। आपको मैं ये प्ले करके दिखाता हूँ, आप लोगों ने देखे तो वो वीडियो, और जिसमें देखो भाई क्लैरिटी, देखो भाई कितना क्लीन दिख रहा है फेस, कितना क्लीन हो गया, शार्प हो गया, काफ़ी क्लीन स्मूथ दिख रहा है फिर। तो कुछ ऐसे आप लोग अपनी वीडियोस को भी इनहेंस कर सकते हो। और यहाँ पर अगर जो एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी एक्सपोर्ट वाली वीडियो देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर हम तो कलराइज वीडियो पे जाते हैं और अभी एक हमारी एक वीडियो है वो ले लेते हैं जो है ब्लैक एंड वाइट में। तो ये वीडियो है ब्लैक एंड वाइट वाली, इसको मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इम्पोर्ट होने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो ये पूरी ब्लैक एंड वाइट वीडियो है, मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये रियल में ब्लैक एंड वाइट वीडियो है। तो ये ब्लैक एंड वाइट वीडियो को हम लोग कलराइज भी कर सकते हैं, सिंपल बस आपको यहाँ पे फेस डिटेक्शन पे क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है और यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको जो भी चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लो। तो मैं 2X पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, जब हमने प्रीव्यू भी नहीं किए थे ना, अब प्रीव्यू में करता हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, ये जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है, आप थोड़ा वेट कर लेते हैं। और जैसे कि देखो इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दी और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बिफोर और आफ्टर, ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली बिफोर और आफ्टर वाली में आप लोगों को कलराइज करके मिल गया है। तो कुछ ऐसे ही आप लोग आपकी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो को कलराइज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को फोटो रिपेयर का ऑप्शन मिलता है, फाइल रिपेयर का भी ऑप्शन मिलता है और आप लोगों को ऑडियो रिपेयर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, आप लोग ये भी कर सकते हो। हम जाते हैं फोटो रिपेयर की तरफ और यहाँ पर आप लोगों को देखो सेम वैसे ही फिक्स फोटो कर सकते हो अगर ओपन नहीं हो रही, तो ये फोटो को भी इनहेंस कर सकते हो। हम लोग फोटो इनहेंस करते हैं, एक मैं फोटो ले लेता हूँ, ये रही फोटोज और इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने और ये हमारी वीडियो फोटो आ चुकी है। अब देख सकते हो आप लोग ये फोटो है उतनी खास नहीं है और धुंधली धुंधली दिख रही है ना। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे फेस वाले मॉडल सिलेक्ट रखेंगे, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो क्लैरिटी नहीं है। तो फेस मॉडल पे सिलेक्ट करेंगे हम लोग और रेजोल्यूशन जो आपको लगे वो सही वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 2X और इसको मैं प्रीव्यू पे और इसको मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा और ये जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसका फाइनल रिजल्ट आपको मैं दिखाता हूँ कुछ ही देर में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका फाइनल रिजल्ट, ये देखो कितनी ब्लर ब्लर दिख रही थी, धुंधली दिख रही थी और ये देखो कितनी क्लियरिटी के साथ आपकी फोटो
हो चुकी है इनेंस। तो कुछ ऐसे ही आप लोग कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से आप लोग आपकी जो भी लोकेशन में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे जो न्यू फोल्डर बनाया था उसमें मैं चले जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, एक्सपोर्ट हो जाएंगी आपकी आपके फोल्डर में। अब एक खास बात इसको ध्यान से सुनना, इनकी वेबसाइट पे चल रहा है क्रिसमस ऑफर जहाँ पर आप लोगों को मिल सकता है 40% ऑफ डिस्काउंट और तो और आप लोग जीत सकते हो आईपैड प्रो। जी हाँ, आप लोग जीत सकते हो iPad Pro। तो इसकी लिंक मैंने आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेक जरूर कर लेना। और हाँ, सॉफ्टवेयर की लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो लेके आते हैं न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।